बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी मिस नूबिया फ्रॉम मरियम एकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग एट योर होम। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6, मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6। ओके बेटा, टेक आउट योर बुक्स एंड पेज नंबर एंड ओपन पेज नंबर 17। ओके बेटा, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 पे 3 है। 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास मॉन्टेसरी। हम 3 को कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं, 3 मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम जो इसका रिमेनिंग वर्क है वो करेंगे। ठीक है बेटा, 3 की फॉर्मेशन क्या थी? 3 इज़ राउंड एंड राउंड, सारे बच्चों को पता है 3 इज़ राउंड एंड राउंड। मैं अगेन आपको दोबारा बता देती हूँ, 3 इज़ राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ओके, आपको पेज नंबर 17 डन करना है एंड देन आ जाइए बेटा पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे सारे बच्चों को फर्स्ट एंड फॉल आज की डेट ज़रूर मेंशन करनी है। ओके बेटे, पेज नंबर 18 पे हमारा फन द नंबर ट्रेस द नंबर एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? ट्रेस द नंबर, नंबर को ट्रेस करना है और फिर देन क्या करना है? कलर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कलर करना। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट ये फिश जो है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और नंबर कहाँ है? अब आप ढूंढें, इसमें से फाइंड करें कि वेयर इज़ नंबर। हमें तो इसमें नंबर कहीं नज़र नहीं आ रहा। ओके, नंबर तो हुआ हुआ है, ये तो ऑलरेडी ट्रेस हुआ हुआ है। ये तो आपका एग्ज़ाम है कि आप मुझे बताएं, आपका टेस्ट है कि इसमें से 3 कहाँ है, 3 को फाइंड करना है। ठीक है, 3 को फाइंड करना है क्लास मॉन्टेसरी को। अब आप देखें, अब इसको करीब से हमको जूम करके देखते हैं। ओ वाओ, वेयर इज 3? मिल गया, मिल गया भाई, आई एम फाइंड इट, मुझे मिल गया है 3। ये है 3, बिल्कुल। गो राउंड एंड राउंड, गो राउंड एंड राउंड, दिस इज़ 3। ये जो इसकी फ़िश की टेल है ये 3 से बनी हुई है। ये देखें, अब अगेन बनाते हैं एक और 3। ये देखिए, इसको फाइंड हो गया, ये ट्रेस हुआ हुआ है, ये 3 बना हुआ है, या हमने 3 इसको ड्रॉ किया, गो राउंड एंड राउंड, तो ये क्या बन गया? ये 3 बन गया, और ये फिश की टेल है जो 3 बन गई है। अब आप बाकी सारे 3 को भी ट्रेस करेंगे। ठीक है, जो बाकी, ये देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसको आपको ट्रेस करके इसके अंदर आपको कलर करना है। कितनी मज़े की, कितनी इंटरेस्टिंग ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने 3 फाइंड भी किया, फिर उसको ट्रेस भी किया, देन उसको आपने कलर भी किया। अब इसी के नीचे वाली जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं भाई। उसमें क्या है, आपको 3 को से लाउडली 3, आपको मेरे साथ मिलके लाउडली बोलना है, 3 3 3। ठीक है, 3। और आपके पास जो एक्सरसाइज है इसमें लिखा हुआ है क्लोज द हैंड, क्लोज द हैंड। पहले सारे बच्चे अपने हैंड को क्लोज करेंगे जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है। इसने अपना पूरा हैंड क्लोज किया हुआ है। फिर आप से लाउडली 3, लाउडली बोलेंगे और उसमें से 3 फिंगर्स को ओपन कर देंगे, अपनी 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे से लाउडली 3, 3 फिंगर्स को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएंगी? ये देखिए, 3 फिंगर ओपन हुई हुई हैं, तो कितनी बोलें सब लाउडली 3, यस। और सामने क्या है? मेक 2 पेंसिल ऑन अ बोर्ड, ये 2 पेंसिल आपके बोर्ड पे बनी हुई है, मगर हमारा तो ये 3 है। मेक 3 पेंसिल ऑन अ बोर्ड, तो हमारा करेक्ट क्या हुआ? 3 करेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत मज़ा आया होगा। अब आ जाते हैं अपनी वर्क बुक की तरफ, नोटबुक की तरफ।
अब बच्चों हम आ गए हैं अपनी नोटबुक पे। अब नोटबुक में हम पेज ओपन करते हैं, पेज नंबर 13 हम पहले कर चुके थे, 3 हम ड्रॉ कर चुके हैं, उसमें स्ट्रॉबेरीज थी 3, वो हमने ड्रॉ कर दिया था। अब आ जाए पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हमको 3 ट्रेस करना है। मैं कितनी दफ़ा आपको 3 ट्रेस करके बता भी चुकी हूँ और इसकी आपको इसका फॉर्मेशन भी बता चुकी हूँ, इज राउंड एंड राउंड, ठीक है, ये 3 हो गया। अब आपको नीचे एक्सरसाइज पे आइए, ट्रेस मैच एंड कलर, आपको 3 को ट्रेस करना है और 3 को 3 से मैच करना है, 3 को 3 से मैच करना है और स्ट्रॉबेरीज को 3 स्ट्रॉबेरीज को स्ट्रॉबेरीज से मैच करना है और 3 ओ एन ई वन वाले 3 को उसको 3 से मैच करना है। अब 3 की क्या स्पेलिंग है इनवर्ड्स में, THREE, बिल्कुल। आप पहले 3 को 3 से मैच करते हैं, 3 को 3 से मैच किया, अब ये इनवर्स वाले 3 को 3 से मैच किया, अब इस स्ट्रॉबेरी को 3 स्ट्रॉबेरीज को उनको मैच किया, ठीक है। पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, देन पेज नंबर 16 आपको डन करना है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, देन पेज नंबर 16 सारे बच्चों को डन करना है, अपना कंप्लीट करना है, ओके। आई होप ये वर्क आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्क को करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, बल्कि अब तो मंडे से फिज़िकल स्कूल खुल रहे हैं तो आप लोग स्कूल में आकर आप फिज़िकली आप लोग पढ़िएगा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।